आखिरकार वो कौन सा बयान है गोपाल इटालिया का जिसको लेकर इतना बवाल मचा है? अलग अलग सर्वे में भी दिखाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, बड़ी मजबूत स्थिति में पार्टी है। पार्टी की स्थिति को देखते हुए बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई है और कई ऐसे रास्ते ढूंढ रही है जिससे वो आम आदमी पार्टी को खराब दिखा सके, नीचा दिखा सके या आम आदमी पार्टी को रोकने की साजिश हो रही है। इसी अनुक्रम में वो बार बार कहीं से ये वीडियो आ गया, कहीं से वो वीडियो आ गया, आज ये आ गया, वो आ गया। इनके पास अब मुद्दों की बात नहीं बची है, इसीलिए कल से ये लोग कोई पुराना, कोई फर्जी, सच्चा, झूठा, पता नहीं क्या क्या वीडियो लेकर के आ गए। किसम नो मानस येनो खर्चो मांगो ने हीरा बावी ने पाछा नाटको करे, आपने बोलता शर्म आवे एटली मोटी उम्र ना व्यक्ति विषय, पण ये लोगो नथी शर्माता। 70 वर्ष नो मोदी थवा आयो, हीराबा पोते 100 એ પહોંચવા આવશે, તોય મારા બેટા બેમાંથી એકે નાટકો બન કરતા નથી। और अब आपको दिखाते हैं किस तरह से इस बयान पर अब घमासान मचा हुआ। ऐसे ही मुझे फर्स्ट फ्लोर पे कमीशन की ऑफिस के अंदर ले जाया गया जहां चेयरमैन मैडम बैठती है, उसके चैम्बर में ले जाया गया। मैंने कमरे का दरवाजा खोलते हुए पूछा कि मैं कम इन मैडम, उसने बड़ी एरोगेंसी से कोई जवाब नहीं दिया और मेरी तौर देखते हुए बोला कि बहुत ही बदतमीज हो तुम, क्या औकात है तुम्हारी और क्या हैसियत है तुम्हारी, मुझे ये कहा गया। मैं शॉक हो गया। स्टेटमेंट है और जो रिटन स्टेटमेंट है दोनों मैच नहीं करते। अभी तक इन्होंने प्रॉपर जवाब नहीं दिया। मैंने पुलिस को भी बोला है कि इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए क्योंकि ये एक लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे। इनके सपोर्टर्स ने जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश की। जो लोग गोपाल इटालिया को डिटेन कर रहे हैं उनके पास सिर्फ इतनी राजनीति है, उनको स्कूल ठीक करने नहीं आते, उनको बच्चों को पढ़ाना नहीं आता। 27 साल हो गए उनको सरकारें चलाते हुए, उनसे एक स्कूल शानदार नहीं बना। गोपाल इटालिया को इसीलिए अरेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी गोपाल इटालिया ऐसी पार्टी से आता है जिसको स्कूल बनाने आते हैं, बाकी कुछ नहीं है, बाकी ड्रामा है। पुलिस ने जो उचित कार्रवाई थी वो करी। सवाल ये उठता है कि अगर आपको NCW ने आपके बयानों के लिए बुलाया है तो आप वहां पर अपने समर्थकों के साथ क्यों पहुंचे? आपने वहां पर तोड़फोड़ क्यों करी? आपने वहां पे उपद्रव क्यों मचाया?